आप सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, हम आज शिमला आए हुए हैं। कल रात में चंडीगढ़ एक्सप्रेस से लखनऊ से आए थे, अम्बाला उतरे। अम्बाला से बाई कार जा रहे हैं शिमला। आप लोग देखिए, ये शिमला दिख रहा है पूरा सामने। आधा घंटा लगेगा पहुंचने में। और वहाँ पे एक झाकू मंदिर है जो फेमस है। हम आपको उसको जूम करके फोटो दिखाते हैं। ये आपको झाकू मंदिर में हनुमान जी की फ़ोटो दिख रही है। आप देखिए, हम लोग आ रहे हैं, शिमला पहुंचेंगे अभी आधे घंटे में। बहुत ही अच्छा मौसम है, ठंडक बढ़ रही है धीरे धीरे। जैसे जैसे शिमला नज़दीक आ रहा है, ठंडक बढ़ रही है। और बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को इस सफ़र का। टॉय ट्रेन से हम लोग नहीं आ पाए, जो कि कालका से शिमला के लिए चलती है टॉय ट्रेन। और आप लोग देखिए कितना अच्छा सीन है। इधर देखिए, वो देखिए, पूरा शिमला दिख रहा है सामने। यही सब पूरा शिमला है। बहुत खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है। पूरा शिमला दिखता है। ये जो हमारी रोड पे जो बिल्डिंग बनी, इसकी वजह से शिमला दिख नहीं पा रहा ठीक से। अभी मैं आपको पूरा शिमला दिखाता हूँ, कैसा शिमला है। देखिए कितना अच्छा है, यहाँ पे सब चीड़ के जंगल है। तो देखिए, चीड़ के जंगल सब दिख रहे हैं ऊपर। कितना अच्छा सीन है, वो शिमला दिख रहा है। देखिए सामने, पूरा शिमला सामने, क्या सारा शिमला दिख रहा है। बहुत ही अच्छी जगह है। और दोस्तों, एक बात आपको बताना चाहूँगा, हम लोग से ये गलती हुई है। तो अगर आप लोग शिमला आइए तो आप लोग से गलती ना हो, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग से गलती ये हुई है कि हम लोग लखनऊ से अम्बाला आए हैं, जबकि और अम्बाला आके हमको यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी और लगी है। इसलिए दोस्तों, आप जो है कहीं से भी आ रहे हैं तो आप सीधे जाइए चंडीगढ़। चंडीगढ़ से डिस्टेंस कम है। दोस्तों, वो शिमला दिख रहा है सब सामने। वो देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी जगह है, आप लोग आइए। इंडिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो पर्यटक हैं वो शिमला में आते हैं घूमने, क्योंकि यहाँ पे इंडिया का एक प्रसिद्ध मंदिर है झाकू मंदिर, जो कि यहीं शिमला में है। ऐसा कहा जाता है, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, रामायण की जो उसमें है लड़ाई, रावण से हो रही थी राम जी की लड़ाई, युद्ध चल रहा था, उसमें लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। तो उनके लिए हनुमान जी, उनको वैद्य जी ने बताया था कि उनको ठीक करने के लिए एक जड़ी बूटी है जो कि हिमालय पर्वत पे मिलेगी। तो हनुमान जी जो हैं हिमालय पर्वत के लिए निकले थे, और उन्होंने इस पर्वत पर बैठ के आराम किया था। इसीलिए यहाँ पर झाकू मंदिर के नाम से ये जगह प्रसिद्ध है, जो कि शिमला में है। और अभी अगर दिखता है तो मैं आपको उनकी फ़ोटो दिखाऊंगा। उनकी 100 फीट की मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है, वो देखिए दोस्तों सामने है। दोस्तों, आपको दिखाना चाहूँगा जूम करके, आपको शायद दिखे। ये देखिए, दिख रही है सामने, दिख गई होगी आप लोगों को, यही है मूर्ति। ये देखिए शिमला कितना अच्छा लगता है। और दोस्तों, बस हम लोग शिमला पहुँचने वाले हैं, पहुँचेंगे उसमें अगला ब्लॉग बनाएंगे। तब तक के धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।